अभी प्रभारी और इसके डायरेक्टर के भी प्रभार में भी है श्री असंगमा जी, परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना के श्री संजय जी, पटना के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर जी, हमारे प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्री रंजीत जी, डॉक्टर और उनके साथ यहाँ उपस्थित शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारीगण, कर्मीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण, हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, पार्श्व मंच पर उपस्थित सभी कलाकार साथियों और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मीडिया के बंधुगण, सबसे तो पहले मैं अपने विभाग यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार जी के साथ इनके तमाम वरिष्ठ अधिकारी और कर्मीगण को मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं आज के इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और सही माने में इस प्रातः वेला में इतने उत्साह और उल्लास से हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस विभाग के हमारे शिक्षकगण, छात्रगण, हमारे कलाकारगण, सब लोगों ने मिलकर जितने उत्साह और उल्लास से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और सफल बनाया है, इसके लिए मैं इनकी सराहना ही नहीं बल्कि प्रशंसा करता हूं और इन्हें मुबारकबाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम लोग आज के दिन से विभाग की तरफ से प्रवेशोत्सव का आगाज या इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगर इस दृष्टिकोण से देखिएगा तो आज के दिन की अहमियत यानी इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। एक तो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ही महत्व काफी है। आज के दिन हम महिलाओं के योगदान ही नहीं, समाज में जो महिलाओं की भूमिका होती है उसको याद करते हैं या उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। और महिलाओं की क्या भूमिका होती है समाज या परिवार में, हम नहीं समझते हैं कि किसी को भी बताने की जरूरत होगी। हर कोई अपने दिल से पूछेगा, अपने दिल को झांकेगा दिल के अंदर, तो उसको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि वो जहां भी है, जिस रूप में भी है, उसको वहां तक पहुंचाने में या उसके व्यक्तित्व को उस तरीके से उस रूप में निखारने में कहीं न कहीं पृष्ठभूमि में महिलाओं की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। ये सबको हृदय से एहसास हो जाएगा। इसलिए आज का दिन स्वाभाविक रूप से नारी शक्ति के प्रति या महिलाओं के योगदान के प्रति सम्मान और आदर प्रकट करने का होता है। और खास तौर से हम अपने समाज का जो इतिहास रहा है, किसी न किसी कारण से ऐतिहासिक रूप से हम पुरुष प्रधान समाज के हिस्सा रहे, लेकिन समय आ गया है इस बात का एहसास होते होते अब ये विश्वास में बदल गया है कि महिलाओं की भूमिका जितनी ही सशक्त होगी हमारा समाज उतना ही सशक्त और मजबूत होगा। महिलाएं अगर सशक्त नहीं होंगी तो हमारा समाज अंदर से मजबूत और सशक्त नहीं बन सकता है। यह बात अब बिल्कुल स्पष्ट और जाहिर हो चुकी है। तो आज के दिन की महत्ता समझिए कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, हम प्रवेशोत्सव भी मना रहे हैं, आज से शुरुआत कर रहे हैं,
अगले 12-13 दिन तक। इसलिए भी मैं विभाग को बधाई देता हूं कि महिलाओं की और शिक्षा इन दोनों का बड़ा ही समझिए कि जबरदस्त रिश्ता है। और हमारे संस्कृति में यह माना गया है शुरू से, और हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ही बातों कहा करते थे कि कोई पुरुष या कोई छात्र या कोई लड़का शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति यानी एक फर्द शिक्षित होता है, लेकिन अगर कोई छात्रा बालिका या महिलाएं शिक्षित होती है तो एक महिला शिक्षित होती है तो समझिए वो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। क्योंकि आप देखिएगा कि अगर कोई पुरुष शिक्षित है तो उसके परिवार के बच्चे हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा दाएं बाएं करते हो, लेकिन जिस परिवार की महिला या महिलाएं शिक्षित होती है उस परिवार के बच्चे अमूमन शिक्षित और अनुशासित होते हैं। स्वाभाविक रूप से कि महिलाएं हैं ही, महिलाएं ही वो धुरी होती है जिसको एक्सिस करते हैं, जिसके तरफ चारों तरफ परिवार या समाज की गतिविधियां घूमती है। परिवार में आप सब लोग अपने अपने परिवार को याद कर लीजिए कि परिवार का की पर्सन असल व्यक्ति जो कहते हैं वो महिलाएं ही होती है। पूरे परिवार के गतिविधियों को नियंत्रित या उनको जोड़ने का काम महिलाएं ही करती हैं। तो आज समझिए कि आज के दिन का महत्व कितना बढ़ जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और हम प्रवेश उत्सव भी मना रहे हैं, एक नए अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, और अभियान की पृष्ठभूमि भी आपको संजय जी ने विस्तार से बताई है कि हम लोगों का पिछला साल या एक साल पिछले मार्च से लेकर अब तो मार्च आ गया, ये हम लोगों के लिए बड़ा ही दुखदायी रहा है, खास तौर से शिक्षा जगत पे, क्योंकि स्कूल बंद रहे, बच्चे पढ़ नहीं सके, और ये जो आभासी शिक्षा या जो ऑनलाइन शिक्षा होती और कहीं हायर स्टडीज में ऊपर जाके ये प्रभावकारी हो सकती है या उस हद तक लाभकारी हो सकती है, लेकिन ये जो प्रारंभिक शिक्षा है या कम से कम माध्यमिक शिक्षा तक, तो जो विद्यालय की महत्ता है या विद्यालय की आवश्यकता है या इसकी जो भूमिका है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट या इसका बदले में कोई इसका जगह कोई दूसरी तरह की शिक्षा नहीं मिल सकता है। क्योंकि हमारे बच्चे यहां बैठे हैं, शिक्षक गण भी है, जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चे अपने शिक्षकों से सिर्फ वो क्या पढ़ा रहे हैं यही नहीं सीखते, वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, उनके बोलने का लहजा क्या है, बात करने का तरीका क्या है, सब कुछ सीखते हैं। और अमूमन बच्चों के आदर्श शिक्षक ही होते हैं, वो उनकी ढेर सारी चीजों को अपनाना चाहते, अपने अंदर उतारना चाहते। और हमने व्यवहारिक इसका अनुभव भी किया है कि बच्चों को अगर स्कूल में शिक्षक कोई चीज बता दे, किसी चीज के बारे में कोई जानकारी दे दे, और वो बच्चा परिवार में आके अगर उस जानकारी से इतर या अलग उसी विषय के बारे में कोई दूसरी चीज उसको मालूम होती है, जो हो सकता है कि पहली जानकारी जो उसको स्कूल में मिली है उसकी कोई उससे कोई विरोधाभासी जानकारी हो, तो बच्चे के मन में स्कूल में जो वो पढ़ के आता है प्रधानता उसी की होती है, वो उसी को सही मानता है, वो शिक्षकों को आदर्श मानता है। इसलिए विद्यालय का खुलना
ये इतना आवश्यक था। अब धीरे धीरे सभी विद्यालय खुल चुके हैं और जो आपको बताया गया ये हम लोगों का दुर्भाग्य रहा, हमारा ही नहीं रहा, इस प्रदेश का ही नहीं, अपने देश का ही नहीं, पूरे दुनिया का दुर्भाग्य था। इस कोरोना संकट में विद्यालय लगभग साल भर बंद रह गए, पढ़ाई का जो एक क्रम था, इसकी जो एक सिलसिला थी, उसमें एक टुटाव आ गया, एक टूट आ गया, एक रुकावट आ गई, एक आदत सिलसिला जो होता है वो थम सा गया। तो ये इस विभाग के आज का जो ये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम है, इसका ये भी मकसद, एक तो जो सरकार का लक्ष्य है या जो सरकार ने अपना मुस्तकबिल रखा है या अपना लक्ष्य रखा है कि हमारे प्रदेश का कोई बच्चा स्कूल से बाहर न रहे, और दूसरा जो पढ़ाई के निरंतरता में पूरे उसके सिलसिला में एक रुकावट या टूट आ गई है, हम उसको भी ओवरकम करें, उससे आगे निकलें। इसलिए इसे उत्सव का नाम दिया गया कि सामान्य रूप से तो नामांकन अभियान चलता है, लेकिन इससे उत्सव का रूप देने का मकसद यही है कि हम पहले से भी ज्यादा उत्साह और उल्लास से अपने पढ़ाई काम में लगे। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने कलाकार साथियों का भी कि भाई आपने मौसम के अनुकूल जो फागुन महीना वाला गाना और तर्ज लगाया तो लगाया, वो तो कर्म प्रिय होता ही है, और उसमें भी फागुन के गीतों में तो वो दम होता है कि किसी निर्जीव वस्तु में भी स्पंदन पैदा कर देता है, ये तो फागुन के गीतों की खासियत होती है। लेकिन मैं कलाकारों को उस धुन के लिए तो जो बधाई देता हूं वो अपनी जगह पर, लेकिन मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आपने उस धुन में भी जो आज के इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता है उसको आपने बनाए रखा है, और आपने गीतों से भी संदेश वही दिया है जो आज के कार्यक्रम का मकसद है और आज के कार्यक्रम से हम लोग हासिल करना चाहते हैं। अब सुनिए ना, हम लोग का कार्यक्रम है प्रवेशोत्सव, कोई बच्चा छूटे नहीं, हर बच्चा स्कूल पहुंच जाए, और क्या गा रहे थे सुने होइएगा, ताल जो भी हो लेकिन गा रहे थे कि लिखवा दो हो नाम, वही होता है प्रवेश करना, स्कूल में दाखिल होइए उसी के लिए गीत भी गा रहे थे। धुन तो आज के इस मौसम के अनुकूल था लेकिन संदेश वही था, इसलिए मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि ये बिहार सरकार बड़ी मुस्तैदी से अपने समाज अपने प्रदेश को शिक्षित करके विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है, ऊंचा ले जाना चाहती है, और इस मायने में हम लोगों ने काफी हद तक सफलता हासिल भी की। लेकिन अब समय आ गया है कि जब पूरा समाज, गांव के सभी लोग, सभी की जिम्मेवारी, और जब हम प्रवेशोत्सव में बच्चों को स्कूल पहुंचाने की बात करते हैं तो सिर्फ अपने अपने घर के बच्चे ही नहीं, हो सकता है कि आपके बगल में कोई ऐसा परिवार हो जिसके बच्चे छोटे हों, उस परिवार में कोई पुरुष ऐसा नहीं हो इतना जागरूक कि वो बच्चों को स्कूल ले जाए, तो स्वाभाविक रूप से पड़ोसी की या उस गांव के अन्य लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वैसे परिवार के बच्चों को भी, कोई गरीब बच्चा है, कोई मजदूर के परिवार का बच्चा है, हो सकता है उसमें उतनी जागरूकता नहीं हो, लेकिन ये सामाजिक जिम्मेवारी और उत्सव मनाने का मकसद भी यही होता है कि लोग अपने दायित्व को उल्लास, उमंग और पसंद से करने की शुरुआत करें,
और वही आज के कार्यक्रम की प्रासंगिकता है। और स्कूल का विद्यालय का वातावरण बनाना तो भाई शिक्षकों के हाथ में। हमने शुरू से कहा है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ कहिए मेरुदंड शिक्षक होते हैं। शिक्षकों के आचरण व्यवहार से ही शिक्षा का माहौल बनता है और छात्रों में अनुशासन से लेकर पढ़ाई के प्रति शिक्षा के प्रति रुचि जगती है। आज मैं फिर चूंकि एक बहुत बड़े समझिए पुनीत और पवित्र अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये समझते हैं समझने की बात कि अगर ये अभियान सफल हो गया तो हमारे बिहार का एक भी बच्चा अशिक्षित नहीं रह जाएगा, एक भी बच्चा निरक्षर नहीं रह जाएगा। ये सोच के ये महसूस करके कौन सा ऐसा बिहारी होगा जिसका गर्व से सीना नहीं फूल जाएगा जो आज हमारे बिहार का कोई बच्चा अशिक्षित नहीं है। तो ये इतने बड़े और इतने पुनीत और पवित्र अभियान की शुरुआत आज हम फिर अपने शिक्षकों से भी निवेदन करें कि भाई विद्यालय का माहौल, छात्रों का भविष्य, इस सब के अधिकारी और समझिए विश्वकर्मा आप ही के आचरण से, आप ही के संकल्प से, आप ही के लगाव जुड़ाव से शिक्षा का प्रसार बनता है बिगड़ता है। आपकी कठिनाइयां परेशानियां दुश्वारियां हो सकती है। हमारे विभाग के तमाम अधिकारी यहां बैठे, हमने कहा है कि भाई शिक्षकों की जो परेशानियां हैं उसको हम लोग आगे बढ़ के दूर कर दें कि हमारे शिक्षक को कोई परेशानी ना, क्योंकि शिक्षक परेशान होंगे, शिक्षक परेशान होंगे तो वो शिक्षा क्या है। इसलिए जो विभाग के तरफ से हम लोग जितनी सहूलियत शिक्षकों को दे सकते हैं वो हम लोग नियमानुसार उपलब्ध करा दे आगे बढ़े। लेकिन भाई हमको गांव समाज पूरे प्रदेश से एक आवाज भी आनी चाहिए कि इस प्रदेश के शिक्षक सरकारी विद्यालयों में छात्रों को या बच्चों को अपने बच्चा जैसा पढ़ाते हैं और पूरे समझिए 100% अपना शिक्षण कार्य में लगाते हैं। हमारे सरकारी विद्यालय जिस वक्त जो समय निर्धारित है उनके खुलने का और जब तक चलने का वो चले, हमारे शिक्षक उपस्थित रहें और बच्चों को अपना 100% दें, यही आज के इस प्रवेशोत्सव कार्यक्रम पर हम आप सबों से निवेदन करना चाहते हैं। सभी बच्चे स्कूल में दाखिल हो जाएंगे, हमारे शिक्षकगण 100% अपना शिक्षण कार्य में लगाएंगे तो मान लीजिए कि अपने बिहार का भविष्य इससे अधिक उज्जवल हो नहीं सकता है और हमारा बिहार एक शिक्षित बिहार होगा, एक विकसित बिहार होगा और उसी की नींव डालने की शुरुआत हम लोग आज कर रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए, बहुत ही सफल कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है, शुभकामनाएं भी देते हैं कि हमारे अधिकारी, शिक्षक, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग सब लोग मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।